जो कि हमारा दिल गवारा नहीं करता कि ऐसा अल्फाज बोलना हमें एक आलिम होकर वहाँ के इमाम और उनके मुंह से ऐसा गंदा अल्फाज जो हमारी माँ बहन इंसान हारने लगता है तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ गलत सलत अल्फाज निकलते हैं और ये हजरत ने निकाल दिया है। हमें तो बोलना भी खराब लगता है कि मुफ्ती बोला जाए कि नहीं बोला जाए, क्योंकि एक आलिम हो गए एक मुफ्ती हो गए जो जुमला नया इस्लाम पूरे के अंदर उन्होंने बोल कर कहे है और माइक के ऊपर वो हमारी वार्ड के माँ बहने भी सुनिए, जो कि हमारा दिल गवारा नहीं करता कि ऐसा अल्फाज बोलना हमें एक आलिम होकर वो बोल कर गए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि उन्होंने अपना इलेक्शन हार दिया है। और अभी अभी सोशल मीडिया पे एक न्यूज आई है कि हजार गोली के सारे लोग उनका बायकॉट कर दिया है। तो ये चाहिए हम लोगों को भी नया इस्लाम पूरा ऐसा नगर सरन 57 साबान नगर नंदन नगर गणेश नगर निहाल नगर सलीम नगर सब लोग उनका बायकॉट करना चाहिए। करोगे कि नहीं भाई साहब? सब लोगों को बायकॉट करना चाहिए। वो हमें ऐसा आदि मुक्ति जो दो दो मस्जिदों का इमाम है, जामा मस्जिद लश्कर वाली ईदगाह की मस्जिद, वहाँ के इमाम और उनके मुंह से ऐसा गंदा अल्फाज जो हमारी माँ बहन से, ये दिल गवारा नहीं करता। अब इन्हें घर बिठाई दो, कहीं से इनको वोट देना नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई बंदा उसकी हिमायत ना करे, उसको वोट ना दे। हर छोटे बड़े बंदे में यही कह के मुफ्ती तो बोलना ही नहीं है, इस्माइल शेख को वोट देना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आसिफ शेख को वोट देना है, हमें किसी दूसरे को नहीं। पूरा शहर बायकॉट करना चाहिए उसका। आज वो मीटिंग लिए हमारे शहर में आए, अरे भाई तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, इलेक्शन है, वोट मांगने के लिए आए हो, बोल दो हमसे गलती हो गई, हमने काम नहीं किया, आइंदा करेंगे, वोट दो। अरे काम करने को आते, अगर तुम्हारे पास कुछ अल्फाज नहीं है बोलने को आते, काम नहीं किया है तो कम से कम अनाप शनाप तो मत पटो, जो काम की बातें वो बोलो। तो ये हजरत बोलते नहीं है, तो बराए मेहरबानी आज वो बता दिए कि मेरी हार हो गई है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को डट कर काम करना है। ये हजरत सामने से आवाज आते रहेंगी, अनाप शनाप पकते रहेंगे, हमारे जज्बातों से खेला जाएगा, कुछ भी बोलेंगे कि ये लोग भड़के झगड़ा करे, किसी को झगड़ा करना नहीं है, किसी को उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। ये दिमाग में रख के हमें शेख आसिफ साहब को दीवान में भेजना है, दूसरा कहीं नहीं भेजना है, ये सोच कर ये दिमाग में रखकर हमें काम करना है। अभी सामने और जलसे होंगे और मीटिंगें होंगी, उल्टा सीधे बात करते रहेंगे, हमारे जज्बातों से खेला जाएगा, हमें गलत सलत बोला जाएगा, एक भी जवाब देना नहीं है हमें। जो जवाब देना रहेगा आसिफ साहब देंगे और दूसरे मुकर्री लोग देंगे, लेकिन कोई वर्कर कोई मेरू कोई साथी किसी से नजर नहीं है। कि इन्होंने इनके पास सिर्फ वो एक ही जुमला है, दादागिरी। ये यहाँ पे दादागिरी करते हैं, पुलिस से डरना नहीं हम है। अरे भैया हम दादागिरी करते नहीं है तो तुमको दादागिरी दिखती है, अगर दादागिरी करेंगे तो गांव छोड़ के भागना पड़ेगा, गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे अल्फाजों में इतना दम है कि तुम चेक जाते और बौखलाए जाते हैं, हमें हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, दादागिरी करने की जरूरत नहीं है, ये तुम ही करो, तुम ही दिखाओ अनाप शनाप मत को। बस मैं शहर के लोगों से अपील करता हूँ, मेरे वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा वोट गिराए, इलेक्शन कैसे लड़ना है सरपरस्तों से पूछो और उनके नक्श कदम पर चलकर ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है। हमें नुमाइश नहीं करना है, नुमाइश नहीं करना है, हमें सिर्फ वोट निकालना है, वोट गिराना है। इतना वोट कर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।